नमस्कार प्रणाम, मैं आलोक कुमार और मैं भी हूँ कांदीवली के रिदम म्यूजिक स्टूडियो में। मैं अभी भोजपुरी फिल्मों का मैं गाने गाने आया हूँ, जिस फिल्म का नाम है हत्यारा और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं मेरे बड़े भैया दामोदर राव जी। और इस फिल्म के जो गाना लिखे हैं और जो हीरो हैं बहुत ही मेरे अजीज़, बहुत मेरे प्यारे दोस्त, जिनका नाम है मनोज द्विवेदी जी और इस फिल्म के डायरेक्टर एवं निर्माता हैं ब्रजेश पाठक जी। आज आपका जो गाना रिकॉर्डिंग हुआ, गाना कुछ रिकॉर्डिंग है उसके बारे में बताएं, कौन सा गाना रिकॉर्ड हुआ? जैसे मैं ज़्यादातर जो भी फिल्मों में गाना गाता हूँ, ज़्यादातर मैं रोमांटिक ही गाता हूँ और रोमांटिक के लिए मैं ज़्यादा जाना जाता हूँ और सैड सॉन्ग के लिए, और सुफियाना भी मैं बहुत गाया हूँ, लेकिन आज जो मैं गाना गाया हूँ हत्यारा के लिए वो फुल्ली रोमांटिक सॉन्ग है। दो एक लाइन बताना चाहेंगे आप? गाया हूँ थोड़ा सा ये हूँ, कुछ शब्द है लास्ट का कुछ ऐसा ही है कि मार के तुम उसके परन ले बुका हो, मार के तुम उसके परन ले बुका हो। आलोक जी, आप इतने बड़े सिंगर के साथ साथ आप एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, तो आप कोई न्यू मूवी आ रही हो या फिर हाल फिलहाल में जो आई हो उसके बारे में कुछ बताना चाहें? मैं पहले तो मैं सिंगर हूँ और उसके बाद बहुत सारी फिल्में मेरी आई हैं। अभी हाल फिलहाल रिलीज हुई है मेरी एक मैथिली फिल्म, रिलीज हुई है 7 तारीख को, जिस फिल्म का नाम था लव यू दुल्हन, और एक अभी भोजपुरी फिल्म रिलीज होने वाली है और एक अभी हाल फिलहाल रिलीज हुई है फिर 7 तारीख को ही, जिस फिल्म का नाम था लाल। तो बहुत अच्छी मूवी है, अभी तक चल भी रहा है, अभी 7 तारीख से अभी तक चल भी रहा है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। भोजपुरी में आपने तो धमाल मचा चुका है, मचा चुके हैं आप, अब आप हिंदी में आना चाहेंगे कि नहीं? देखिए लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अपना एक होता है कि मैं भोजपुरी से मैं जाना जाता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं और कुछ करूं भोजपुरी के लिए, कि मैं भोजपुरी को लेकर के मैं कुछ करूं आगे। मैं एल्बम से भी मैं गाने स्टार्ट कर दिया हूं मैं बहुत अब ज़्यादा, और आगे मैं करूँगा भी, अच्छा करूँगा मैं। आपके एल्बम का गाना जो हाल फिलहाल में जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ हो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एल्बम में अभी सैड सॉन्ग मैं ज़्यादा गाया हूँ और अभी जहाँ मैं हूँ खड़ा, साईं रिकॉर्ड्स चैनल है दामोदर जी का है, उसमें लोग बहुत पसंद किए, मैं भी वो गाना को मैं बहुत दिल से सुनता हूँ, मैं वो गानों को मैं गाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तेरे प्यार में दिल मेरा रोता है, तेरे प्यार में दिल मेरा रोता है। आपने जब शुरुआत किया था भोजपुरी गाने में, महुआ चैनल में आया था, उसकी आपकी शुरुआत लंबी जर्नी रही, तो इस जर्नी में कितना आपको संघर्ष करना पड़ा और क्या रहा जर्नी? देखिए पहले तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ और जहाँ का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ भोजपुरी बोली नहीं जाती है। मैं लखीसराय जिला का रहने वाला हूँ, मेरा घर कजरा पड़ता है, वहाँ हम लोग मगही भाषा बोलते हैं। तो जब सुर संग्राम आया तो मुझे लगा कि नहीं, भोजपुरी का इतना बड़ा मान सम्मान है भाषा का, तो इसमें जाना चाहिए। तो आया वो, मैं ऑडिशन दिया और माता रानी की कृपा और हमारी जनता जो है भोजपुरिया दर्शक जो है, मुझे SMS करके मुझे सुर संग्राम का मुझे विनर बना दिए, इसके लिए मैं दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी तक के सफर में क्या लगा आपको, कितना बदलाव आया उस टाइम पे और अभी टाइम में? मैं जीतने के बाद भी, सुर संग्राम जीतने के बाद भी मैं संघर्ष किया मुंबई में और बहुत लोग मुझे सपोर्ट किए कि अच्छा सिंगर है, इसको थोड़ा सा पुश करो। तो लोग मुझे, इंडस्ट्रीज के लोग मुझे, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, जितने भी लोग थे, सब लोग मुझे सपोर्ट किए और आज के डेट में लगभग मैं 400 से 500 फिल्मों में गाने गाए, बहुत सारे फिल्मों में गाने गाए। तो सब भोजपुरी में एक सवाल आता है हमेशा कि जो लोग सिंगर हैं वही एक्टर और हीरो बनना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, एक ट्रैक चला था बीच में, पब्लिक को आप जो देंगे ना, पब्लिक वही चीज़ एक्सेप्ट करेगी। तो पब्लिक भी ललायत रहती कि कौन एक्टर है कौन सिंगर है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप एक्टर अच्छे हैं, आप सिंगर नहीं हैं, तो पब्लिक उसे एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। लास्टली आप दर्शक को कुछ कहना चाहें?
दर्शक को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी जो फिल्म का जो मैं गाना गाया हूँ हत्यारा, आप लोग इसे ज़रूर देखें। जिस फिल्म के हीरो हैं हमारे मनोज द्विवेदी जी, बहुत सारी फिल्में आई हैं उनकी और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं इसमें, सारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं, तो आप लोग ज़रूर इस फिल्म को आशीर्वाद दें, प्यार दें, ताकि एक भोजपुरिया का मान सम्मान बचा रहे।